हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जो लोग भी आधार यूसीएल का काम करना चाहते हैं, उनको ये पता होगा कि इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट लग रहा है। जो लैपटॉप, टोकन मशीन, आईरिस मशीन वगैरह बताया जा रहा है लेने के लिए सीएससी की तरफ से, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। और आपको मान के रखना है कि 1 से 1.5 लाख रुपए तो खर्च होंगे ही इसके पीछे। तो अब एक नई प्रॉब्लम आ गई है, जो स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं यूसीएल के लिए, उन स्पेसिफिकेशंस पे भी सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। जी हाँ, ऐसी प्रॉब्लम आई है कि जो लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन बताई गई है सीएससी की तरफ से, आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो वो लिखी गई है, और यहाँ पे आयरिस डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो वो भी बताई गई है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब कौन सा डिवाइस आप ले सकते हैं, ये भी यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन इस पे भी प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या सॉल्यूशन है, और आपको इन्वेस्ट करने से पहले क्या-क्या ध्यान में रखना है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरी वीडियो आपको यूज़फुल लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो आप हमारा वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आप लोग सबको पता होगा कि लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और अगर इस कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप नहीं भी है तो भी जो है काम चल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। लेकिन इतनी हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए नहीं लैपटॉप की। हाँ, आप फ्यूचर को ध्यान में रख के कि कल अगर हो सकता है कि इनरोलमेंट का काम आ जाए, या फिर अगर कुछ सिस्टम अपडेट होता है तो भी आपको नया लैपटॉप ना लेना पड़े, अगर ऐसा कुछ ध्यान रख करके लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास लैपटॉप है ऑलरेडी, तो आप उसी लैपटॉप में भी काम कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप में 4 GB RAM है तो भी काम हो जा रहा है, और वहीं अगर TPM 1.2 है तो भी लोगों की मशीन रजिस्टर हो गई है। तो आप इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा परेशान ना हो। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लैपटॉप है तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं। देखिए, रैम तो कभी भी एक्सपेंडेबल होता है, तो रैम की चिंता ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे मेन टीपीएम है, तो अगर आपके लैपटॉप में टीपीएम है तो फिर काम किया जा सकता है। वहीं पे आपको प्रोसेसर कौन सा है वो एक बार देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए। अगर स्पेसिफिक कोई आपका मॉडल नंबर वगैरह है और आप जानना चाहते हैं कि उस पर काम होगा या नहीं, तो आप मुझे ग्रुप में बता सकते हैं, तो मैं एक बार उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करके बता दूंगी आपको। अच्छा, मैं बात करने वाली थी इस वीडियो में आयरिस डिवाइस की। तो पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या गया है सीएससी की पोर्टल पे आयरिस डिवाइस के बारे में। वीएलएस विदाउट इनरोलमेंट मशीन कैन अपडेट रेसिडेंस आधार डेमोग्राफिक डिटेल्स थ्रू डिजिटल सेवा पोर्टल। वीएलई कैन अवेल सर्विस यूजिंग सिंगल फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन डिवाइस ऑथोराइज बाय यूआईडीआई, दैट इज मॉर्फो। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि मॉर्फो से काम होगा, लेकिन मॉर्फो से काम नहीं हो पा रहा है। शुरू में कुछ दिन मॉर्फो से काम हुआ, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि अगर आप मॉर्फो से काम करेंगे तो फिर वहाँ पे एरर दिखा दे रहा है। तो पहले तो आपने मॉर्फो में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, बहुत सारे लोगों के पास एग्जिस्टिंग डिवाइस थी मिंत्रा की, फिर भी उन लोगों ने मॉर्फो मंगाया, अब मॉर्फो भी काम नहीं कर रहा है। तो मॉर्फो काम नहीं कर रहा है तो फिर हमको कौन सी डिवाइस लेनी होगी, मैं वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मिंत्रा की डिवाइस है, मिंत्रा की डिवाइस काम कर रही है। ये वाली डिवाइस आप देखिए, ये वाली डिवाइस पे अभी बहुत सारे लोग काम कर पा रहे हैं। इसकी लिंक मैं दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहें तो वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि अब जो स्पेसिफिकेशंस खुद सीएससी की वेबसाइट पे दी गई है वो भी सही नहीं है, और फिर आपको दो दो तीन तीन बार एक ही चीज के लिए इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो फिर मैं वही बात कहूंगी जो मैंने आपसे कल की वीडियो में कहा था, कि आप बिल्कुल ही सोचे समझे बिना इन्वेस्ट ना करें। थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लें, थोड़ा अपने आसपास देख लें, आपके कांटेक्ट में किसी का अगर सीएससी सेंटर
थ्रू सेंटर चल रहा है यूसीएल का, आधार अपडेशन का, तो आप उनसे थोड़ी बहुत बातचीत कर लें पहले कि आपको कौन सी डिवाइस लेने की ज़रूरत है, कौन सी डिवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद ही आप पैसे इन्वेस्ट करें। जैसे कि मॉर्फो, यहाँ पे पहले बताया गया था, कुछ दिन काम भी किया मॉर्फो से सभी ने, लेकिन अब जो है वो मिंत्रा पे काम हो रहा है और हो सकता है कि फिर से मॉर्फो से ही काम हो। तो ये वाली अपडेट बहुत ही ज़रूरी थी और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर भी करनी चाहिए। और मैं ये जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि जो टाइमलाइन आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि टाइमलाइन कितना लगेगा, अगर मशीन रजिस्टर हो जाती है तो उसके बाद जो L2 प्रोसेसिंग होती है उसके लिए, तो यहाँ पे 10 से 20 दिन का भी टाइम लग जा रहा है और उसके बाद आपको वेरीफायर का डॉक्यूमेंट देना होता है। तो आप मान के रखिए कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है, जब आपको फर्स्ट टाइम कंफर्मेशन मेल आती है और फिर आप जो फॉर्म सबमिट करते हैं वहाँ से लेकर के जो फाइनल आपका जो मशीन रजिस्टर होने के बाद L2 प्रोसेसिंग वगैरह जो होती है, तो इसमें आप मान के रखिए कि आपको पूरा कम से कम 45 डेज तो लग जा रहे हैं पूरा प्रोसेस होने में। तो आपको शुरू में ही लैपटॉप या फिर दूसरी डिवाइसेस जैसे आईरिस डिवाइस या फिर सीसीटीवी कैमरा, टोकन मशीन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ अब आपका प्रोसेस शुरू होने वाला है, मशीन रजिस्टर होने वाली है, तो उसकी 1-2 दिन पहले ही आप ऑर्डर कर दें। अगर आप ऑनलाइन से मंगा रहे हैं या फिर अगर आप लोकल शॉप से ले रहे हैं जा करके, तब तो तुरंत ही आपको हाथों हाथ ही लैपटॉप मिल जाएगा। तो ज़्यादा आपको ज़्यादा दिन पैसे फंसा करके रखने की ज़रूरत नहीं होगी और आराम से आप इमीडिएटली अपना काम शुरू कर पाएंगे। और एक चीज़ ये भी मुझसे पूछ रहे हैं सभी लोग कि वेरीफायर का डॉक्यूमेंट देंगे तो उसके बाद वेरीफायर को इसमें क्या फ़ायदा होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि वेरीफायर को फ़ायदा तो नहीं है इससे, हाँ एक नुकसान ज़रूर है, क्योंकि 2 रुपये 2 रुपये के लिए कोई वेरीफायर तो आपके सेंटर पे बैठेगा नहीं। तो ज़्यादातर लोग यही मान करके चल रहे हैं कि वो बस वेरीफायर का डॉक्यूमेंट दे देंगे और उसके बाद फिर जो है वेरीफायर को जो सेंटर है वहाँ पे बिठाएंगे नहीं, लेकिन उनको उन उन उनके नाम पे काम कर लेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर कुछ जालसाजी होती है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन जाती है UIDAI के पास, या फिर अगर डेटा कुछ मिसमैच होता है, तो इस पे एक ब्लैक रिमार्क के जैसा वेरीफायर के ऊपर आ जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ऑब्वियसली उनको पेंशन वगैरह आती होगी और फिर इसके साथ ही साथ जो रैंक 3 और अबव चाहिए, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि पढ़े लिखे होंगे वेरीफायर। तो इस तरह की गलती एक्सपेक्ट नहीं की जाती है वेरीफायर से। तो हो सकता है कि उनको कोई रिटर्न में किसी तरह की नोटिस भेज दी जाए अगर बहुत ज़्यादा ही ग्लिच पाए जाते हैं। तो ये सारे नुकसान है वेरीफायर को, हालांकि फ़ायदा तो कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप उनको कोई सैलरी भी देते हैं तो कितनी ही सैलरी दी जा सकती है वेरीफायर को, क्योंकि यहाँ पे खुद VLE को बहुत कम अमाउंट मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करना चाहती थी इस वीडियो के माध्यम से। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।